चेन्नई, सिवाना के प्रवासियों की पुनः विधायक भायल को जिताने की अपील। चेन्नई में राजस्थान के सिवाना विधानसभा क्षेत्र के प्रवासियों ने बेहतर सुविधा एवं क्षेत्र के विकास हेतु एक बार पुनः मौजूदा विधायक हमीर सिंह भायल को जिताने की अपील की। यहां चेन्नई में प्रवासियों ने सीधी बातचीत में बताया कि विधायक ने अपने कार्यकाल में कई विकास के कार्य करवाए। सिवाना विधानसभा क्षेत्र के राखी निवासी गणपत सिंह राठौर ने बताया कि समदरी में नई पंचायत समिति का गठन करवाया गया। सिंधरी उपखंड मुख्यालय पर 10 करोड़ की लागत से नया IIT कॉलेज निर्माणाधीन है। राखी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आवासीय निवास का निर्माण करवाया गया। क्षेत्र में होडू, दाखा, पादरू, मोकलसर, अजित व खंडप के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तब्दील किया गया है। क्षेत्र के पेयजल के लिए 325 नए हैंडपंप व 34 नए ट्यूबवेल नलकूप खुदवाए। उन्होंने बताया कि सिवाना में अस्पताल तो है, मगर एक्सरे की पर्याप्त सुविधाओं की कमी खलती है। इसी प्रकार राजस्थान राजपूत परिषद चेन्नई के अध्यक्ष तिलवाड़ा निवासी अचल सिंह भायल बताते हैं, केंद्र की मोदी सरकार के राज में क्षेत्र में बहुत विकास के काम हुए हैं। विधायक के प्रयासों से सिवाना विधानसभा में खूब विकास हुआ। सिवाना में महाविद्यालय खुलने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को काफी लाभ मिला है। मवड़ी निवासी मदन सिंह पातावत ने अपनी बातचीत में बताया कि भाजपा के शासनकाल में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या राजस्थान की भाजपा सरकार में विकास के अनेकों कार्य हुए, अतः पुनः भाजपा की सरकार बने तथा सिवाना से हमारे विधायक हमीर सिंह भायल विजय हो ताकि विकास का पहिया रुक ना सके। चेन्नई से बगसेह बागरा की रिपोर्ट। मैं जयंतीलाल बागरा क्षेत्र का हूँ, प्रॉपर गढ़ सेवाना में रहता हूँ। और अभी तक जो भाजपा की सरकार है अपने स्टेट में और सेंट्रल में, लेकिन जो जितना काम होना चाहिए उतना पूरा राजस्थान में भी इतना काम नहीं हो रहा है। अपना क्षेत्र में तो बहुत कुछ काम इतना नहीं हुआ है, तो भी जहाँ भी सड़कें देखे वो देखे जितना भी क्षेत्र में काम होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल में भी BJP है और इधर भी BJP है, उसके उपरांत भी ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ऐसा काम होना चाहिए और नेक्स्ट बार कोशिश करके अगर अच्छा काम करेंगे तो आपकी सरकार वापस आएगी, नहीं तो फिर पब्लिक को क्या करना है वो करेंगे। मेरा नाम असल सिंह है, मेरा गांव तेलवाड़ा है, यहाँ चन्ने में रहता हूँ, स्टील का व्यवसाय करता हूँ। हमारे 5 साल से सेंट्रल में भी BJP की सरकार है और राजस्थान में भी BJP की सरकार है। सरकार ने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं। ठीक है, थोड़ी सी वसुंधरा से लोगों को नाराजगी है, उसका तो भी क्या कर सकते हैं। एक पिता के मान लो यदि स्यार पुत्र रहे तो स्यारों को भी वो सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है काम तो बहुत हुआ है, जैसे कि हमारा हाईवे का जो काम है वो भी विधायक के टाइम में हुआ है। हमारे सिवाना से समदड़ी होते हुए आगे जो कल्याणपुर से आगे जो रोड बन रहा है वो भी सेंक्शन हो गया है, और गांव में भी हमारे पादरू साइड की जो रोड है वो भी उन्होंने बढ़िया बनाई है। और लोगों से एक फोन पे, हमारे विधायक ऐसे हैं कि एक फोन पे रात को भी 12 बजे भी कोई बोलता है तो वो उसका उसी समय जवाब देते हैं, और बड़ी शालीनता के साथ में। इतने जनहितेशी ऐसे हमारे विधायक हैं, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि वापिस जनता का जो है सहयोग उनको ही रहे और वापस BJP की सरकार बने, इसी अपेक्षा के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मैं गणपत सिंह राठौड़, राजस्थान में सिवाना विधानसभा क्षेत्र में मेरा राखी गांव है, और हम लोग हमेशा विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनावों में राजस्थान जाते हैं और वहाँ विधायक और सांसद चुनते हैं, अपने वोटों द्वारा चुनते हैं। इस बार हमारे आदरणीय विधायक महोदय हमीर सिंह जी भायल 2013 से 2018 के बीच में उनका जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ही बढ़िया कार्यकाल रहा है। उन्होंने जो सिवाना में पिछले कई वर्षों से जो काम नहीं हुए थे वो उन्होंने करवाए हैं, जिसमें सबसे जटिल समस्या थी कॉलेज की, लोगों को जालौर और बालोतरा जाना पड़ता था। उन्होंने अब कड़ी मेहनत करके वसुंधरा जी से संपर्क करके सिवाना में कॉलेज बनवाया है, ये सबसे सार्थक कदम है उनका। उन्होंने मेरा जो पंचायत समिति क्षेत्र है समदड़ी, वहाँ इलेक्ट्रिक बोर्ड का ऑफिस नहीं था, नहीं EN JN सिवाना में बैठते थे तो वो बहुत दूर पड़ता था, तो EN ऑफिस उन्होंने समदड़ी में खुलवाया है। और
और भी ऐसे कई काम, जैसे मेरे रखी और सावरडा के बीच में एक सड़क थी जो भारत आजाद होने के बाद में आज दिन तक नहीं बनी थी, पक्की सड़क ही नहीं थी, जिसमें कई पुरुषोत्तम की मौत हो गई थी। और ये मुद्दा हमने कई बार उठाया है, और मेरे पिताजी पंचायत समिति के सदस्य थे, तब उन्होंने 2010 से 2015 के बीच में इस मुद्दे को इतनी बार उठाया था, मगर वो काम हुआ नहीं। मगर अभी इन्होंने उसका टेंडर भी करवा दिया और उसकी स्वीकृति भी हो गई है राखी सावरडा सड़क की। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। नंबर दो, भाखड़ा बेल्ट में इन्होंने जो काम करवाया है सिवाना से, ये हाईवे का काम है वो आदरणीय हमारे MLA साहब अमीर सिंह जी ने करवाए हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो भी काम पेंडिंग रहे हैं तो इनकी निगाहों में, इनकी निगरानी में।